सैंडविच ने आपके साथ क्या बदमाशी करी? 5 जन आए तो वो बदमाश थे। मिर्ची है जो डाली आपने ज्यादा नहीं होगी है? नहीं, कैफे जितने खुल चुके हैं, जिनको सिर्फ पैसा कमाना है। हमारा पैसा कमाना नहीं, हमारे पैसे के साथ साथ माल भी देना है। वाह भाई वाह, क्या स्टाइल है, स्पीड इतनी तेज कैसे है? बहुत सारे लोग हैं इसको करते करते, बहुत एक्सपीरियंस के साथ फिर बाद में मार्केट में आए। खाने में डर लग रहा है, ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा मेरा? नहीं, थोड़ा फीलिंग्स आती है। तो मुझे एक बात बताओ, जो भी MBA करता है वो खोलता है MBA सैंडविच वाला, आपने किसी और नाम से खोली, ऐसा क्यों? ये शॉप जो थी पहले वो यही नाम से थी। आपके सैंडविच, आपके हाथ के बनाए हुए सैंडविच बहुत ज्यादा फेमस है, लोगों को टेस्ट पसंद आता है, क्या आप सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है? टेस्ट तो एकदम हम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे बहुत सारे मतलब कैफे इतने खुल चुके हैं, जिनको सिर्फ पैसा कमाना है। हमारा पैसा कमाना नहीं, हमारे पैसे के साथ साथ माल भी देना है हमारा। यहाँ पे मिर्ची है जो डाली आपने ज्यादा नहीं होगी है? ये सन्नाटा सैंडविच का नाम ही सन्नाटा है, तीखा एकदम। इसे खा के मतलब सन्नाटा छा जाएगा, बंदा 2-4 मिनट तक कुछ बोल ही नहीं पाएगा। स्पेशली सैंडविच ही उसके लिए स्पेशल है, ओनली चीज एंड चिली। अभी क्या लगा रहे हो? अपना बदमाश सैंडविच, हमारे को किसी ने सजेस्ट किया था, 5 लोग हैं, हम 5 लोगों के हिसाब से कुछ सैंडविच बनाई है बदमाश सैंडविच करके, तो हमने उसका नाम फिर कस्टमर से उनसे ही सजेस्ट किया था। और उनके ना सैंडविच ने आपके साथ क्या बदमाशी करी है जो आपने उसका नाम था? 5 जन आए तो वो बदमाश थे। तो ये ब्रेड, ये इस शेप की ब्रेड कहाँ से मिलती है आपको? ट्रायंगल, ये हमारे स्पेशल ऑर्डर के लिए बनती है। ये आ गया सबसे पहले चटपटा सॉस, ये स्पाइसी शेजवान, ये आ गया बारबेक्यू सॉस, ये आ गया अपना कढ़ाई पनीर ग्रेवी, ये आ गया अपने गार्लिक के आला ब्लैंक। अच्छा, अभी लगाया जा रहा है सब पे सॉस लगा देंगे पूरा, सबका अलग अलग ग्रेट कर देंगे। ये ब्लैक वाला कौन सा है? बारबेक्यू, बहुत लोग चॉकलेट समझते हैं, चॉकलेट नहीं है। ये क्या है बच्चा? पूरा मिक्स वेजिटेबल, इतनी सारी पूरा मिक्स वेजिटेबल्स के साथ सॉस ऐड होगा, इटालियन सॉस इसमें ऐड हुआ, पनीर स्पेशल एक्लेयर, पनीर लग गया खूब सारा, एक्लेयर पूरा कॉर्न, तो इतनी सारी चीजें लगी इसमें। yes. वाह भाई वाह। तो मुझे तो लग रहा है ये सैंडविच कम से कम कितने का सैंडविच है? 250। एक लेयर पूरी स्लाइस की स्पेशल चीज की रहेगी, सब में मसाला ऐड, पूरी लिक्विड चीज, लिक्विड चीज। भाई साहब इतनी सारी, और कितना बड़ा होने वाला है ये? बड़ा बनने वाला है, पनीर की लेयर, चीज की लेयर बीच में, कॉर्न की लेयर, गार्लिक सॉस के साथ वेजिटेबल। ये तो भाई आपने बदमाशी दिखाई है, सैंडविच ने बदमाशी दिखाई है। सैंडविच भाई ये आ गया हमारा बदमाश बटर भाई, क्योंकि सैंडविच गल जाता है। इसकी बदमाशी की सजा यही है कि इसे ग्रिल करा जाएगा, 2-5 मिनट में बस ये रेडी हो जाएगा। ये आ गया सैंडविच बन के, क्या कटिंग भी होगी इसको? ऐसी पकड़ के खा जाना है अब इसके कटिंग होगा। वाओ बहुत सुंदर लग रहा है, क्या स्टाइल है देने का। सॉस, एक केचप आ गया है, ये आ गया मेयोनीज, और ये ऊपर से क्या डाला जा रहा है? चीज, भर के। तो 250 रुपए का है, लेकिन इसमें माल तो आपने 300 से ऊपर का डाल दिया, ज्यादा आ गया। ये फायर क्यों लगाते हैं? चीज पकाना पड़ेगा, तो साइडों से भी पका रहे हैं उसे, और जगह तो साइडों से नहीं। सैंडविच भी थोड़ा स्मोकी फ्लेवर में आएगा भाई, देख सकते हो क्या मस्त इसमें फायर लगाई जा रही है ऊपर से। आपका बदमाश सैंडविच तैयार है, लीजिए और स्टार्ट कीजिए, कैसा बना बताइए। देख के ना मुझे लग रहा है कि यार कैसे खाया जाएगा, इसकी टेस्टिंग कैसे दिखाऊं मैं आप लोगों को, लेकिन कोई नहीं, हिम्मत करते हैं और दिखाती हूँ कि कैसा होगा इसका टेस्ट। तो भाई ये देखो इसमें चीज पुल, मुझे नहीं पता आएगा या नहीं आएगा। 6 ब्रेड इसमें यूज करिए, 250 रुपए इसका रेट है। इसको टेस्ट करके बता दें इसका टेस्ट कैसा होने वाला है। एकदम चटपटा है, मजेदार है, टेस्टी है, चीज इसमें भर भर के डाला हुआ है। और एक चीज जो मैं बताऊँ, इसमें जो सॉसेस डले हुए हैं ना, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, बहुत ज्यादा मजेदार है भाई, मुझे ये बिल्कुल पसंद आया। मुझे समझ में आ गया कि इसने क्या बदमाशी दिखाई है, इतना ज्यादा बड़ा है, एक बंदे से या 2 बंदों से खाया नहीं जाएगा, यही इसकी बदमाशी है, और इसीलिए इसका नाम बदमाश सैंडविच पड़ा है। आपको आना पड़ेगा साउथ अंबाजरी रोड VNIT कॉलेज के जस्ट ऑपोजिट में, मेट्रो कैफे, मॉर्निंग 10 to 10। मैं यहाँ पे इसको एंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अगर कुछ है ना तो वहीं तक आते रहिए।